हेलो गाइस, दिस इज़ सनी गुलवे, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं कॉस्ट शीट के बारे में। ये पार्ट वन है जिसके अंदर मैं ये कॉस्ट शीट कैसे प्रिपेयर करते हैं वो दिखाऊंगा। देन नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे इसके एग्जांपल्स। तो शुरू करते हैं। लास्ट जो लेक्चर मैंने लिया था जिसमें मैंने एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट के बारे में बात की थी, उसमें मैंने आपको ये चार्ट दिखाया था। तो आपको पहली बात तो ये पता होना चाहिए कि भाई कॉस्ट के एलिमेंट्स क्या होते हैं, हम उसको कैसे बाइफरकेट करते हैं, क्योंकि इसके बेसिस पे ही हम आगे कॉस्ट शीट बनाएंगे, ठीक है। और लास्ट टाइम मैंने एग्जांपल भी लिया था कि भाई एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो उसके अंदर ये डायरेक्ट कॉस्ट कौन से होंगे और इनडायरेक्ट कॉस्ट कौन से होंगे, उसमें भी इनडायरेक्ट में भी जो फैक्ट्री लेवल पे हैं, ऑफिस लेवल पे हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन लेवल पे हैं, वो कैसे कैसे हो सकते हैं, उसके एग्जांपल्स मैंने दिए थे, ठीक है। नाउ एक मेथड होता है कॉस्टिंग का जिसको हम यूनिट कॉस्टिंग बोलेंगे। आपका जो सेबी का सिलेबस है उसमें काफ़ी टाइप्स दिए हुए हैं, जॉब कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग, यूनिट कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, तो उसमें से एक टाइप ये है यूनिट कॉस्टिंग। तो ये जो कॉस्ट शीट जो हम बनाते हैं, ये जो पूरा का पूरा फॉर्मेट है, यही पूरा अगर हम फॉर्मेट यूज़ करें और उससे कॉस्ट निकालें, तो उससे जो कॉस्ट मिलेगी वो यूनिट कॉस्टिंग में ही यूज़ होगी। तो ये कॉस्ट शीट जो है और यूनिट कॉस्टिंग जो है वो कोई अलग अलग मेथड्स नहीं है। बेसिकली यूनिट कॉस्टिंग के अंदर ही ये जो कॉस्ट शीट जो हम आज देखने वाले हैं वही यूज़ होती है। तो सबसे पहले तो यूनिट कॉस्टिंग यूज़ कब होता है मेथड, जब कोई कंपनी ऐसे आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स बना रही हो और वो मास लेवल पर प्रोडक्शन कर रही हो। जैसे पेन है तो वो पूरे साल सैकड़ों पेन ही बनाते रहेगी, चेयर कई कंपनी बना रही है तो चेयर्स ही बना बना करेगी, साबुन बनाएगी, तो ये जो है ये आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स हैं और वो कंपनी पूरे साल मास प्रोडक्शन करती है इन चीज़ों का। तो ऐसे जो प्रोडक्शन यूनिट्स हैं उसके अंदर हम यूनिट कॉस्टिंग यूज़ करते हैं। और यूनिट कॉस्टिंग में जो कॉस्ट कैलकुलेट होता है वो किसके बेसिस पे होता है, कॉस्ट शीट के बेसिस पे ही होता है। तो अगर हम कॉस्ट शीट समझ लेंगे तो उसके बाद हम तुरंत ही बाद उस हम यूनिट कॉस्टिंग पढ़ेंगे, जिसमें हमें कुछ अलग पढ़ना नहीं पड़ेगा क्योंकि कॉस्ट शीट ही डायरेक्टली हम वहाँ पे यूज़ करके कॉस्ट निकालेंगे। तो ये तो बाद की बात है, बट पहले हम सीख लेते हैं कॉस्ट शीट क्या है। तो कॉस्ट शीट बनाने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या है कि आप सारे डायरेक्ट कॉस्ट कैलकुलेट करिए। डायरेक्ट के अंदर भी कौन से तीन प्रकार हैं, पहले तो रॉ मटेरियल या स्टॉक कैलकुलेट करेंगे, फिर लेबर का कॉस्ट क्या है वो देखेंगे, फिर उसके अलावा के जो एक्सपेंसेस हैं वो देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं रॉ मटेरियल की। तो हमें पता है कि स्मूथ ऑपरेशन के लिए कंपनी हमेशा कोई एक लेवल ऑफ स्टॉक हमेशा मेंटेन करके रखती है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल हम अज्यूम करते हैं कि हमें ये जो कॉस्ट शीट जो हम बना रहे हैं वो फाइनेंशियल ईयर 1920 के लिए बना रहे हैं, दैट इज़ फ्रॉम 1 अप्रैल 2019 टू 31 मार्च 2020, ठीक है। नाउ कंपनी का इससे पहले भी एक फाइनेंशियल ईयर होगा, उसके लिए भी उन्होंने इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट बनाई होगी। तो कंपनी का एज ऑन 31 मार्च 2019 को एक लेवल ऑफ स्टॉक होगा, ठीक है, मैं रॉ मटेरियल स्टॉक की बात कर रहा हूँ, वो उसका क्लोजिंग स्टॉक होगा, ठीक है। ये 31 मार्च 2019 को जो रॉ मटेरियल का स्टॉक होगा वो उसका क्लोजिंग स्टॉक होगा, और वही स्टॉक का लेवल 1 अप्रैल 2019 को ये जो नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ उसका वो क्या हो जाएगा, ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। ये बात हमने ऑलरेडी आगे कर ली है, ठीक है। तो ये कंपनी जैसे ही फाइनेंशियल ईयर शुरू होगा, ऐसा नहीं होता है कि फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होगा तो सब कंपनी माल बेच देगी और बोलेगी फिर नेक्स्ट ईयर से हम फ्रेश स्टार्ट करेंगे, फिर से नया माल खरीदेंगे, ऐसा नहीं होता है। जो पिछले साल का जो क्लोजिंग स्टॉक होगा वही अभी नए साल का ओपनिंग स्टॉक होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि ये साल जो हमने लिया है फाइनेंशियल ईयर, ये 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020, इसके अंदर कंपनी ने कितना रॉ मटेरियल यूज़ किया है प्रोडक्शन में वो कैसे गिनेंगे, तो उसका फॉर्मूला ये है। सबसे पहले साल की शुरुआत में एज ऑन 1 अप्रैल 2019 उनके पास क्या होगा, ओपनिंग स्टॉक ऑलरेडी ही
एक पड़ा हुआ स्टॉक होगा उनके पास, मान लेते हैं वो 10 करोड़ है, 10 करोड़ का स्टॉक है। फिर क्या होगा, ये जो पूरा साल है फाइनेंशियल ईयर 1920, इस दौरान वो कुछ स्टॉक परचेज करेंगे, ठीक है। मान लेते हैं वो 50 करोड़ का परचेज करते हैं, क्योंकि उनको ऑब्वियसली पूरी फैक्ट्री तो रोज़ चलते ही जाएगी, तो उनको जैसे ही स्टॉक ख़त्म होते जाएगा उनको रेप्लेनिश करना ही पड़ेगा वो, है ना। तो मान लेते हैं 50 करोड़ का स्टॉक वो इस साल खरीदते हैं पूरे साल में, ठीक है। बट अब जैसे ही साल ख़त्म होता है ऑन 31 मार्च 2020, तब भी उनके पास कोई एक स्टॉक पड़ा होगा। जैसे 31 मार्च 2019 को उनके पास स्टॉक पड़ा था, वैसे ही 31 मार्च 2020 को भी उनके पास स्टॉक पड़ा होगा। मान लेते हैं वो क्लोजिंग स्टॉक है 15 करोड़ का, ठीक है। तो ये साल उन्होंने कितना यूज़ किया वो कैसे पता चलेगा, 10 करोड़ ऑलरेडी उनके पास था, पूरे साल में 50 करोड़ उन्होंने ऑलरेडी ख़रीदा हुआ है, तो उनके पास अब टोटल ये साल में स्टॉक कितना हो गया, 60 करोड़ का। बट एट दी एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर उनके पास 15 करोड़ पड़ा हुआ है, तो इसका मतलब उन्होंने ये 60 में से ये 15 अभी तक यूज़ नहीं किया है, तो इसका मतलब कितना यूज़ किया है, 45 करोड़ रुपीज़, ठीक है। तो इस तरीके से निकालते हैं हम रॉ मटेरियल यूज ड्यूरिंग एनी फाइनेंशियल ईयर, ये उसका फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये मेथड से हम क्या कैलकुलेट करेंगे कि भाई पूरे साल में कंपनी ने प्रोडक्शन में कितना रॉ मटेरियल यूज़ किया, ठीक है। नाउ अब लेबर की बात करते हैं, तो लेबर जनरली आपको एग्ज़ाम के अंदर अगर आपको कोई न्यूमेरिकल देता है तो लेबर कॉस्ट आपको डायरेक्टली दे दिया गया होगा, या तो नहीं दिया है तो उसको निकालने का फॉर्मूला दिया होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसा बोला गया होगा कि भाई लेबर का एक दिन का कॉस्ट इतना है और नंबर ऑफ वर्कर्स प्रोडक्शन लाइन में इतने हैं, तो फिर आप क्या करोगे, इस पूरे साल का लेबर कॉस्ट निकालना है तो पर डे का कॉस्ट, और पूरे साल के लिए है तो 365 इंटू, ये तो एक लेबर का कॉस्ट हुआ पर डे का, इंटू नंबर ऑफ वर्कर्स करेंगे आप तो फिर क्या हो जाएगा, टोटल लेबर मिल जाएगा आपको। तो कैसी भी करके आपको डायरेक्टली लेबर का कॉस्ट दे दिया होगा, या तो फिर आपको बोला गया होगा कि भाई ये फॉर्मूला है, इस तरीके से आप लेबर का कॉस्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये कोई इतना डिफिकल्ट चीज़ है नहीं लेबर कॉस्ट निकालना। तो ये इस तरीके से कॉस्ट शीट बनती है। ये फॉर्मेट मैंने डायरेक्टली आपका जो ICAI का वेबसाइट है वहीं से, जो उनका जो स्टडी मटेरियल है उसमें से ही लिया है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ठीक है, उनके साइट पे से ही, उनके मटेरियल में से ही मैंने ये पूरा फॉर्मेट लिया है। तो आप देख सकते हैं कि कॉस्ट शीट के अंदर सबसे पहला क्या चीज़ लिखा है, डायरेक्ट मटेरियल, है ना। वो कैसे निकालते हैं ये ऑलरेडी हम फॉर्मूला देख चुके हैं, ओपनिंग स्टॉक उसमें एडिशन परचेसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो आपको कितना ये साल में यूज़ किया मटेरियल वो मिल जाएगा। उसके बाद डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, मैंने बोला डायरेक्टली दे दिया गया होगा या आपको फॉर्मूला दिया होगा निकालने का। उसके अलावा डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है, ये भी इसके जैसा ही होगा, लेबर के जैसा आपको डायरेक्टली दे दिया गया होगा, या तो फिर बोल दिया गया होगा कि भाई ये इसका फॉर्मूला है, आप इस तरीके से एक्सपेंसेस निकाल लो, ठीक है। तो हमने डायरेक्ट के जो तीन कंपोनेंट है वो देख लिए, मटेरियल भी आ गया, लेबर भी आ गया, और उसके अलावा के एक्सपेंसेस भी आ गए। इन तीनों को आप जोड़ेंगे तो इसको बोला जाता है प्राइम कॉस्ट, ठीक है। ये खाली आपको नाम ऐसे याद रखना है कि भाई जो डायरेक्टली जो भी चीज़ें यूज़ हुई है उन तीनों का एडिशन करोगे तो आपको प्राइम कॉस्ट मिलेगा, ओके। तो यहाँ तक हम पहुँच गए, आगे की बात करते हैं। नाउ ये इसके बाद हम क्या ऐड करेंगे, ये जो प्राइम कॉस्ट है यहाँ तक क्या आ गया है, सारे डायरेक्ट कॉस्ट सारे आ गए, रॉ मटेरियल आ गया, लेबर आ गया और एक्सपेंसेस आ गए। अब इसके बाद क्या ऐड होगा, हमने लास्ट टाइम जो एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट था उसमें देखा था, इसके बाद सारे इनडायरेक्ट कॉस्ट ऐड होना शुरू होंगे, उसमें भी फैक्ट्री लेवल पे कुछ होंगे, ऑफिस लेवल पे कुछ होंगे और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन लेवल पे कुछ होंगे, ठीक है। पर वो इनडायरेक्ट कॉस्ट समझने से पहले आपको एक चीज़ समझना ज़रूरी है, दैट इज़ वर्क इन प्रोग्रेस। तो हम कौन सा साल लेके चल रहे हैं, 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ये जो कार मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनी है उसके अंदर आप 1 अप्रैल 2019 को एंटर करते हैं, ठीक है। तो आपको कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी, एक कार होगा जिसका ये जो ढांचा है चेसिस, वो ऑलरेडी आपको बना हुआ मिलेगा, ठीक है।
कार पूरी नहीं है आपके सामने, ये ऐसे लाइन्स और ऐसे बहुत सारे ऐसे चेसिस पड़े हुए होंगे। फिर लाइन्स और ऐसे उसके बॉडी भी आपको बहुत सारी देखने को मिलेंगी, ठीक है। लाइन्स और आपको बहुत सारे इंजिन्स पड़े हुए मिलेंगे। ये मैं क्या दिखाना चाह रहा हूँ, ये सारे जो है ये अभी ऐसे वर्क हैं या ऐसी गाड़ियाँ हैं जो अभी कंप्लीट नहीं हुई है। ऐसी चीज़ों को कंपनी बोलती है वर्क इन प्रोग्रेस। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर काम तो शुरू हो गया है, ठीक है, पर अभी ये फाइनल फिनिश्ड फॉर्म में अभी तक नहीं हुए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बहुत सारे वर्क इन प्रोग्रेस में आइटम्स देखने को मिलेंगे, जैसे ये चीजेस था, ये बॉडी था, ये इंजन था, ग्लास देखने को मिलेंगे, फिर उनके वायर्स जो उनका जो अंदर का जो इलेक्ट्रिक मैकेनिज्म है पूरा, उसके लिए जो वायर्स हैं वो देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये आपको देखने को मिलेगा एज ऑन 1 अप्रैल 2019। बट अगर आप इसको ऐसा देख सकते हैं कि ये 1 अप्रैल 2019 को आपको देखने को मिल रहा है, इसका मतलब क्या है कि इसके ऊपर काम जो है वो ऑलरेडी लास्ट फाइनेंशियल ईयर में शुरू हो गया था, तभी आपको 1 अप्रैल को ये ऐसा देखने को मिल रहा है ना, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, दिस इज़ वर्क इन प्रोग्रेस एज ऑन 31 मार्च 2019। उन्होंने 31 मार्च 2019 को उनके पास कुछ WIP इन्वेंट्री पड़ी थी, है ना, और उन्होंने ये जो चीज़ें आपने देखी जो अभी आधी अधूरी पड़ी है सब, उसको एज अ वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंट्री के नाम पे अपने करंट असेट में दिखाया होगा एज ऑन 31 मार्च 2019 इन देयर बैलेंस शीट। जब उनकी 31 मार्च 2019 को बैलेंस शीट बनी होगी, तब ये जो पूरा स्टॉक है वर्क इन प्रोग्रेस का स्टॉक, ये इन्होंने किस में दिखाया होगा, अंडर करंट असेट, ठीक है। हमने बैलेंस शीट देखी थी, उसमें हमने देखा था तीन टाइप के स्टॉक होते हैं, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश गुड। तो अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंट्री की, ठीक है। नाउ अगर आप 1 अप्रैल 2020 को ये फैक्ट्री एंटर करते हैं तो भी आपको ऐसी सेम ही चीज़ देखने को मिलेगी जो आपको 1 अप्रैल 2019 को देखने को मिलेगी थी। ऐसे ही चेसिस, ऐसी ही बॉडी, ऐसे ही इंजन, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ये जो है 1 अप्रैल 2020 को आपने देखा जब आप उनकी फैक्ट्री में गए, तो इसका मतलब क्या था, यही चीज़ 31 मार्च 2020 को कंपनी ने अपने करंट असेट में एज अ वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंट्री दिखाया होगा, ठीक है। मैं पॉइंट ये प्रूव करना चाहता हूँ कि कंपनी जब भी बैलेंस शीट बनाती है एज ऑन 31 मार्च, तब कोई ना कोई वर्क इन प्रोग्रेस चल ही रहा होगा, या पूरे ड्यूरिंग द वर्क भी आप कोई भी दिन फैक्ट्री में चले जाए तो भले ही कार बन के कुछ पड़ी होगी बट कुछ कार इन प्रोग्रेस होगी ही, ठीक है। तो हमें क्या देखना है, वर्क इन प्रोग्रेस के लिए अकाउंटिंग, या जो अकाउंटिंग तो बाद में देखेंगे, पहले ये कॉस्ट के अंदर उसका प्रोसीजर कैसे करना है, ठीक है। यहाँ पे WIP एज ऑन 31 मार्च 2019, ये 2019 के एंड में जो वर्क इन प्रोग्रेस था वो अब नेक्स्ट ईयर में क्या होने वाला है, वो कन्वर्ट होने वाला है फिनिश्ड गुड में, ठीक है। और 31 मार्च 2020 को और नया वर्क इन प्रोग्रेस खड़ा हो जाएगा। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये तुम्हारा फाइनेंशियल ईयर है 1920, ठीक है, ये शुरू हो रहा है 1 अप्रैल 2019 को और ख़त्म हो रहा है 31 मार्च 2020 को। तो ये साल जब शुरू हुआ उसके पहले मान लो ऐसे 1000 यूनिट पड़े थे कंपनी के अंदर जो कि अभी पूरे बने नहीं थे, ठीक है। पर जैसे ही ये साल में आप एंटर करोगे, ऐसा अज्यूम करते हैं हम कि कंपनी पहले क्या करेगी, ये जो 1000 सेमी फिनिश्ड थे गुड उनको पहले कंप्लीट करने का ट्राई करेगी, ठीक है। उसके बाद फिर मान लेते हैं कि ये फाइनेंशियल ईयर जो है उसके अंदर 9000 नए फिनिश्ड गुड उन्होंने बनाए, ठीक है। देन फिर और उन्होंने नए शुरू किए बनाना, बट तब तक में क्या हुआ, ये साल ख़त्म हो गया। तो जैसे ही साल ख़त्म हुआ तब वो फैक्ट्री जो है वो 1200 नए यूनिट पे काम कर रही थी, पर वो ऐसे थे जो ख़त्म नहीं हुए थे, इसलिए कंपनी ने उनको क्या बोल दिया, सेमी फिनिश गुड, और वो नेक्स्ट ईयर कंटिन्यू होंगे, ठीक है। तो कंपनी ने क्या किया होगा, जब ये लास्ट ईयर फाइनेंशियल ईयर था तब ये जो सेमी फिनिश्ड गुड पड़े थे 1000,
उसको भले ही उन्होंने इन्वेंट्री में दिखाया होगा, बैलेंस शीट में करंट असेट के अंदर हम WIP इन्वेंट्री दिखाते हैं, तो भले वहाँ पे दिखाया होगा, बट अपना जो उन्होंने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन गिना होगा, जो PNL में हम क्या गिनते हैं, सबसे पहले सेल्स गिनते हैं और उसके बाद सारे कॉस्ट गिनते हैं, ठीक है, ये एक्सपेंसेस गिनते हैं, तो उसके अंदर ये 1000 यूनिट को उसने काउंट नहीं किया होगा। क्यों? क्योंकि वो तो अभी बने ही नहीं है, और बने ही नहीं तो फिर बिके कैसे होंगे, ठीक है। तो हम PNL में हम क्या लिखते हैं, पहले सेल्स लिखते हैं, जिसमें जितने प्रोडक्ट्स बिके हों उसका सेल वैल्यू लिखते हैं, और उसके बाद जितने प्रोडक्ट बिके हैं उसका ही कॉस्ट लिखते हैं, ठीक है। तो ये तो अभी बना ही नहीं है, तो ये सेल भी नहीं होगा और इसका कॉस्ट भी कंसिडर्ड नहीं होगा। तो ये जो इसके पहले का फाइनेंशियल ईयर जो था 18-19, उसके अंदर ये 1000 यूनिट का कॉस्ट जो है, भले कॉस्ट तो इनकर किया है, रॉ मटेरियल गया है, लेबर गया है, इलेक्ट्रिसिटी, सारे एक्सपेंसेस गए हैं, बट उसको एज अ कॉस्ट लास्ट फाइनेंशियल ईयर में नहीं गिना होगा, ठीक है। बट ये 1000 यूनिट जो है वो ये साल में कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। तो इसका मतलब वो 1000 यूनिट का कॉस्ट कहाँ पे कंसिडर होगा, यहाँ पे। ऑन द सेम लाइन्स, ये साल में नए 1200 WIP खड़े हुए हैं एज ऑन March 31st, ठीक है, बट वो इस साल में नहीं गिने जाएंगे। वो कब गिने जाएंगे? नेक्स्ट ईयर में। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि WIP का कॉस्ट कैसे गिनेंगे। जितना भी ओल्ड WIP था उसको करंट प्रोडक्शन कॉस्ट में ऐड कर दिया जाएगा, और जितना भी न्यू WIP है उसको माइनस कर दिया जाएगा। मतलब अगर मैं ये साल के अंदर कॉस्ट गिन रहा हूँ, प्रोडक्शन कॉस्ट है ना, तो उसमें 9000 फिनिश्ड गुड तो ये साल में ही शुरू हुए हैं और ये साल में ही पूरे हो गए हैं, तो ये 9000 का तो कॉस्ट गिना ही गा ही। बट अब बात आती है WIP की, तो जो पहले वाला WIP था लास्ट ईयर का, वो इस साल कंप्लीट होगा, तो उसका ये 1000 यूनिट जो है उसका कॉस्ट कहाँ पे ऐड होगा, यहाँ पे। तो ये फाइनेंशियल ईयर में जो ये ओल्ड WIP था उसका कॉस्ट ऐड होगा, ठीक है। बट हमने इस बार ये साल में 1200 नए WIP और खड़े किए हैं, बट ये अभी पूरे नहीं हुए हैं, इसलिए ये नेक्स्ट ईयर में कंटिन्यू होंगे और उसका कॉस्ट नेक्स्ट ईयर में गिना जाएगा। तो इस साल ये जो 1200 WIP का कॉस्ट है वो माइनस कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये था WIP को हम कैसे अकाउंट करते हैं इन कॉस्टिंग, ठीक है। तो इट इज़ अज्यूम दैट, ये तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि भाई पहले 1000 यूनिट कंप्लीट होंगे, बाद में नए यूनिट बनेंगे, फिर एट द एंड ऑफ द ईयर और कुछ WIP बना होगा, ठीक है। तो ट्रीटमेंट फाइनली इस तरीके से करना है, जो भी आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इस साल हो रहा है ना, जो भी डायरेक्ट मटेरियल लेबर आपने यूज़ किया है, उसके अंदर पुराना WIP है उसका वैल्यू ऐड कर देना है और नया WIP का वैल्यू निकाल देना है, ठीक है। तो ये हम ऑलरेडी यहाँ पे थे, ये हमने देख लिया था, प्राइम कॉस्ट तक हम पहुँच चुके हैं, बट उसके बाद क्या होगा, हाँ उसके बाद हम देखेंगे कि भाई ये इनडायरेक्ट कॉस्ट हम ऐड करते जाएंगे, ठीक है। उसमें तीन टाइप के होते हैं, फैक्ट्री लेवल पे, ऑफिस लेवल पे और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन लेवल पे, ठीक है। तो हम सबसे पहले कौन से लेवल का ऐड करेंगे, फैक्ट्री लेवल पे। फैक्ट्री लेवल पे जो इनडायरेक्ट रॉ मटेरियल है, लेबर है, एक्सपेंसेस है, वो सारे ऐड करेंगे। तो हम यहाँ पे थे प्राइम कॉस्ट पे, उसमें क्या ऐड करेंगे, फैक्ट्री ओवरहेड्स, ठीक है। इसके अंदर जितने भी इनडायरेक्ट रॉ मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, वो सारे यहाँ पे ऐड होंगे। इसमें भी आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, अगर एग्जांपल आपको दिया है तो डायरेक्टली आपको इसका टोटल वैल्यू दे दिया गया होगा, या तो फिर उसको निकालने का फॉर्मूला दे दिया गया होगा, ठीक है। ये ऐड करके जो भी फाइनल आंसर मिलता है उसको हम बोलते हैं ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट, ठीक है। जो भी फैक्ट्री लेवल पे ओवरहेड ऐड होते हैं उसके बाद जनरली या तो उसको फैक्ट्री कॉस्ट बोलते हैं या तो उसको वर्क्स कॉस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसको बोल दिया गया ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट। क्यों ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट? क्योंकि इसके अंदर अभी हमें WIP का एडजस्टमेंट करना बाकी है, ठीक है। ये जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या जो भी है, यहाँ तक के जो भी कॉस्ट आए, उसके अंदर ये साल के जितने भी हमने रॉ मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस, ये भी जितने भी यूज़ किए उसका कॉस्ट आया है, बट इसमें अभी हमने क्या ऐड नहीं किया या क्या नहीं निकाला है, WIP का ट्रीटमेंट। तो मैंने जो आगे WIP का जो पूरा
ये समझाया आपको, ये ट्रीटमेंट अब होगा, ठीक है। तो ये जो ग्रॉस वर्क कॉस्ट है उसके अंदर क्या ऐड होगा, जो पुरानी WIP थी वो ऐड होगी, दैट इज़ ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस है वो ऐड होगा, और ये जो नई WIP क्रिएट हुई थी दैट इज़ क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस वो माइनस होगा, ठीक है। तो ये ऐड और ये माइनस करके हमको फाइनली क्या मिलेगा, फैक्ट्री कॉस्ट, या उसको क्या बोलते हैं, वर्क्स कॉस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। तो फैक्ट्री ओवरहेड मैंने बता दिया, इसमें कौन से आते हैं, इनडायरेक्ट रॉ मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो हम कहाँ तक पहुँच चुके हैं, फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क्स कॉस्ट तक पहुँच चुके हैं। तो पहले स्टेप में हमने क्या किया, डायरेक्ट सारे कॉस्ट ऐड किए, दूसरे स्टेप में क्या किया, इनडायरेक्ट ऐड किए, कौन से लेवल के ऐड किए, फैक्ट्री लेवल के। अब हम ऐड करेंगे ऑफिस लेवल के इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो लास्ट टाइम हम कहाँ, कौन से पॉइंट पे थे, फैक्ट्री कॉस्ट वर्क कॉस्ट तक हम पहुँच गए थे, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, सारे ऑफिस लेवल के इनडायरेक्ट कॉस्ट ऐड करेंगे, जैसे क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट, मतलब फैक्ट्री में अंदर कोई प्रोडक्ट बन रहा है वो ऑफिस के अंदर कोई लैब में आएगा, फिर उसकी क्वालिटी चेक की जाएगी, तो उसके लिए भी सारे इंस्ट्रूमेंट होने चाहिए, आदमी होने चाहिए, ठीक है। तो वो सारी जो कॉस्ट होगी वो काय के अंदर आएगी, क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट। फिर वो प्रोडक्ट डेवलप करने के लिए जो भी R&D का खर्चा हो रहा है वो भी ऑफिस लेवल पे ही होगा, तो R&D कॉस्ट, ठीक है। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, ये जितने भी आप पेन पेपर ये सब जो स्टॉक रखते हैं ये सब ऐड होगा, फिर उसके लिए जो प्यून रखते हैं, वॉचमैन रखते हैं, ये सारे जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं एट ऑफिस लेवल, उसको हम क्या बोलेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, ठीक है। फिर कुछ चीज़ें माइनस की जाएंगी, जैसे कि जो प्रोडक्ट बेचे थे उसमें से कुछ लोगों ने वापस कर दिया माल आपका, आगे भाई इसमें डिफेक्ट है, ठीक है, तो वो आप माइनस कर देंगे। फिर आपने कोई स्क्रैप किया है, अपना जो प्रोडक्शन जो हुआ था उसमें से कुछ प्रोडक्ट को आपने स्क्रैप कर दिया है, ठीक है, या बाय प्रोडक्ट आपका कोई निकला है या मिसलेनियस इनकम है, ये सारी आप क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। उसके अलावा मान लो आपने जो फाइनल प्रोडक्ट बन के आया, मान लो साबुन के वो फाइनल पैकेट बन के आए, बट फिर भी उसको जब आपको डिस्पैच करना है तो एक बड़े बॉक्स में सारे साबुन रखने पड़ेंगे, तो इस टाइप का अगर कोई पैकिंग का कॉस्ट हुआ तो वो आप ऐड करेंगे। तो ये ऑफिस लेवल पे जितने भी कॉस्ट है वो सारे आप ऐड करेंगे, तो फाइनली आपको क्या मिलेगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। तो ये ऑफिस लेवल पे आपने सारे कॉस्ट ऐड कर दिए आफ्टर द फैक्ट्री कॉस्ट, ठीक है। नाउ अब आगे जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ याद दिलाना चाहता हूँ, दैट इज़ मैचिंग प्रिंसिपल। हमने जब PNL देखा था तब मैंने बोला था कि भले ही आपने 100,000 यूनिट बनाए हैं एक साल के अंदर, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क किस चीज़ से पड़ता है, आपने बेचे कितने। तो भले ही 100,000 यूनिट बनाए हैं बट 50,000 ही यूनिट आप बेच पाए हैं, ठीक है, तो सेल के अंदर क्या लिखेंगे, सेल्स के अंदर 50,000 यूनिट का सेलिंग जो टोटल अमाउंट आया वो, और उसमें से कॉस्ट भी कितना माइनस करेंगे, 50,000 यूनिट जितना ही, ठीक है। भले आपको कॉस्ट लगा है पूरा 100,000 यूनिट बनाने का, बट आप कितना कॉस्ट गिनेंगे, जो कि 50,000 यूनिट का है उतना ही कॉस्ट गिनेंगे, क्योंकि इतने ही आप बेच पाए हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, मैचिंग प्रिंसिपल, ठीक है। तो जैसे रॉ मटेरियल में हमारे पास क्वेश्चन आया था कि भाई कितना रॉ मटेरियल यूज़ हुआ है वो कैसे पता चलेगा, तो उसी तरीके से यहाँ पे भी एक क्वेश्चन आता है कि भाई हमने इस साल कितना बेचा वो कैसे पता चलेगा। तो जैसे वहाँ पे जो फॉर्मूला था उसी टाइप का कुछ फॉर्मूला यहाँ पे है। आप जब साल शुरू करेंगे एज ऑन 1 अप्रैल 2019, ठीक है, तो आपके पास ऑलरेडी कुछ फिनिश्ड गुड का स्टॉक पड़ा होगा, उसको आप बोलेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड। वो कौन सा स्टॉक होगा, जो आपने लास्ट ईयर ऑलरेडी बना दिया होगा, दैट मीन्स वो क्या होगा, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड एज ऑन 31 मार्च 2019। जो 31 मार्च 2019 का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो आपका ये साल जो शुरू हुआ उसका ओपनिंग स्टॉक हो गया। ये ऐसा ही चीज़ है जो डायरेक्ट बनी हुई पड़ी है, जो फाइनल प्रोडक्ट है जो बेचने के लिए रेडी है, ठीक है। तो जैसे ही साल शुरू हुआ आपके पास 15 करोड़ का ये माल पड़ा हुआ था, ठीक है। फिर
आपने ये साल जो है फाइनेंशियल ईयर 1920 उसमें आपने मान लो 100 करोड़ का नया माल बनाया, ठीक है, तो आपके पास अब कितना फिनिश्ड गुड तैयार हो गया? 15 करोड़ तो आपके पास था ही ऑलरेडी ये साल शुरू होते ही, बट आपने 100 करोड़ का और माल बनाया, तो आपके पास कितना है? 115 करोड़ का फिनिश्ड गुड तैयार है। बट जब आप 31 मार्च 2020 को फिर से अपना फिनिश्ड गुड का स्टॉक गिनते हैं गोडाउन में, तो आपको पता चलता है कि 20 करोड़ का माल तो अभी भी और पड़ा हुआ है। तो इसका मतलब आपने 115 में से आपके पास 20 पड़ा हुआ है, तो इसका मतलब आपने कितना बेचा होगा? 95 करोड़ का माल बेचा होगा, ठीक है। तो इस ऐसे हमें पता चलता है कि अभी हमने कितना सेलिंग किया। तो वही फॉर्मूला अब हम आगे लगाएंगे। तो हमने अभी तक कितने ओवरहेड देख लिए? फैक्ट्री लेवल पे जो कॉस्ट थे वो देख लिए, ऑफिस लेवल पे जो कॉस्ट होते हैं वो देख लिए, अब हम देखेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन लेवल पे कौन से कॉस्ट होते हैं। तो हम लास्ट कौन से पॉइंट पे थे? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक पहुंच गए थे, ठीक है। तो अब हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो हमने आगे देखा कि भाई हमको ये देखना है कि हमने बेचा कितना, क्योंकि कॉस्ट तो उतने का ही लेना है, ठीक है। तो ये हमने जो देखा था उसमें फॉर्मूला कैसे बनेगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमने निकाल लिया है, ठीक है। तो उसमें हम ऐड क्या करेंगे? ओपनिंग स्टॉक ऐड करेंगे और उसमें से क्लोजिंग स्टॉक क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे वही हो रहा है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपने निकाल दिया, मतलब इस साल आपने कितना प्रोडक्शन किया है उसका कॉस्ट आपके पास है, ठीक है। और ये वो कॉस्ट है जिससे आपका फिनिश गुड बन चुका है ना। यहाँ तक कि आपका ये कॉस्ट मिल गया है जहाँ आपको फिनिश गुड रेडी है, अब आपको खाली बेचना बाकी है। बट हमें निकालना ये है कि भाई जो फाइनली बेचा गया उतने का कॉस्ट कितना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड ऐड करना पड़ेगा और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड माइनस करना पड़ेगा। तो इससे हमें मिलेगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। तो मैचिंग प्रिंसिपल यहाँ पे कैसे अप्लाई हुआ? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना ही हो हमें उससे कुछ लेना देना नहीं, बट हमें कितना कॉस्ट गिनना है? जितना माल बेचा गया है उतना ही, ठीक है। तो माल बेचा गया उसके लिए हमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा जो हमने आगे देखा भी है, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिल गया। नाउ अब आते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के एक्सपेंसेस। अब इसमें आपको एक चीज़ मैं बता देता हूँ, ये वाली जो एक्सपेंसेस है इसमें वो जनरली मैचिंग प्रिंसिपल, जनरली मैं बोल रहा हूँ, अप्लाई नहीं करते। अगर आपने इस साल मार्केटिंग का खर्चा किया है, ठीक है, मान लो आपका मार्केटिंग का खर्चा ऐसा था कि आप सोच रहे थे 1 लाख प्रोडक्ट बेचेंगे, बट वो मार्केटिंग का खर्चा करने के बाद आपके 50,000 ही प्रोडक्ट बिके, तो क्या आप मार्केटिंग का खर्चा आधा ही कंसिडर करोगे? नहीं, ऐसा नहीं होता है। जनरली ये जो सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन मार्केटिंग इसके जो एक्सपेंसेस होते हैं वो जितने एक साल में किए होते हैं वो सारे ले लिए जाते हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ के आपका कितना माल बिका, ठीक है। तो जनरली ये जो मैचिंग प्रिंसिपल है वो कहाँ तक अप्लाई होता है? ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक ही अप्लाई होता है, ठीक है। उसके बाद जनरली ये जो ये टाइप के जो एक्सपेंसेस हैं वो सब जितने इनकर हुए होते हैं साल में वो पूरे गिन लिए जाते हैं, ठीक है। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड है, मार्केटिंग ओवरहेड के अंदर सेलिंग का एक्सपेंसेस है, डिस्ट्रीब्यूशन के एक्सपेंसेस हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे ऐड कर दी जाएगी। तो फाइनली आपको क्या मिलेगा? कॉस्ट ऑफ सेल्स, मतलब आपने अगर 50,000 प्रोडक्ट बेचे हैं, है ना, तो वो 50,000 प्रोडक्ट जो है उसका टोटल कॉस्ट कंपनी को कितना लगा है वो यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। एक और चीज़ आपको यहाँ पे बता दूँ, जो एक्सटर्नल जो चीज़ें हैं, एक्सटर्नल कॉस्ट जो हैं जिसका कंपनी के प्रोडक्शन और सेलिंग से कोई लेना देना नहीं है, वो भी जनरली यहाँ पे ऐड नहीं करते हैं। जैसे कि टैक्स के एक्सपेंस, उसका ये कंपनी के प्रोडक्शन से या सेलिंग से कोई लेना देना नहीं है, वो तो जब अगर प्रॉफिट कमाएगी कंपनी को तो टैक्स भरेगी, वो अलग बात है। उसी तरीके से जैसे इंटरेस्ट एक्सपेंस, कंपनी को कंपनी के प्रोडक्शन लाइन में क्या लेना देना कि भाई तुमने बोरो करके पैसा लाया है या खुद का पैसा डाला है, ठीक है। उस कॉस्टिंग में तो हम यही देखते हैं कि भाई कंपनी के जो खर्चे हैं वो कितने हैं, ठीक है। उसके बाहर का जो खर्चा है, इंटरेस्ट का खर्चा, वो कंपनी के मैनेजमेंट को देखने का कि वो कैसे मैनेज करना है, ठीक है। तो ये बाहर की जो चीज़ें हैं जैसे इंटरेस्ट कॉस्ट ऑन बोरोइंग हुआ या फिर टैक्स वगैरह हुआ, तो ये अलग चीज़ें हैं, वो अलग से देखे जाते हैं। इसलिए आप देखेंगे कि ये जो यहाँ पे जो कॉस्ट मिलता है, कॉस्ट ऑफ सेल जो कॉस्टिंग के अंदर जो हमें मिलती है चीज़, और
पीएनएल के अंदर हम जो टोटल एक्सपेंसेस देखते हैं उसमें हमेशा थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा, क्योंकि यहाँ पे हम वो सब चीज़ें नहीं गिनते हैं। जैसे हमने वहाँ पे पीएनएल में इंटरेस्ट एक्सपेंस देखा था, टैक्स देखा था, ठीक है, वो सब यहाँ पे नहीं आता है। ठीक है, तो ये हो गया कॉस्ट ऑफ सेल्स, ये हो गई तुम्हारी कॉस्ट शीट कंप्लीट। ठीक है, टोटल 21 पॉइंट थे, उसको मैंने ब्रेक कर करके अलग अलग पार्ट में आपको समझाया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।